मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी। छोटे छोटे पनीर टिक्का है जो हमारे बच्चों को है बहुत ही पसंद आते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ दही ले लिया है, यह आधा कटोरी करीबन दही है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ थोड़ी सी लहसुन ले ली है, वो इस पहले दही में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, सरसों का तेल ऐड करेंगे इसमें, एक चम्मच के करीबन सरसों का तेल इसमें ऐड कर लेंगे। सरसों के तेल से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक चम्मच के करीबन लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आधा चम्मच तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्ची डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफेद नमक, एक चम्मच के करीबन मैंने यहाँ बेसन को बिल्कुल सूखा भून लिया है बिना ऑयल के, वो इसमें ऐड कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है फ्रेंड, 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और इसको इसमें वह मिक्स कर देंगे। इसमें आधा चम्मच के करीबन रेड फूड कलर डाल देंगे, जिससे कि हमारे पनीर टिक्का का कलर जो बहुत ही मस्त आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीबन नींबू का रस डाल देंगे, जो कि इसमें थोड़ा सा खट्टा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैंने पनीर को इस शेप में कट कर लिया है, इसमें सारे पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने प्याज को इस शेप में कट किया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने 2 प्याज लिए हैं करीबन, और 250 ग्राम की करीबन पनीर है, इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, कैप्सिकम को भी मैंने इस शेप में कट किया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। इसे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आधे घंटे तक कवर करके ढक कर रख देंगे, जिससे कि हमारे सारे मसाले जो है अच्छे से पनीर और सब में मिक्स हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम इस तरह की स्टिक्स में सेट कर लेंगे। फ्रेंड इसे हम ग्रिल मोड पर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स मेरे पनीर टिक्का जो है रेडी हो चुके हैं, ये देखिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप भी इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल होटल में जैसे मिलता है उसी तरह का बन सकता है आराम से घर पे। इसे हम हरी चटनी और मोमोज की रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। धन्यवाद मेरी रेसिपी की वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।